नारनौत का खेड़ी चौपटा गांव भी आज पुलिस की गोलाबारी से धुआं धुआं हो गया। खनौरी बॉर्डर कूच करने के लिए तैयार किसानों और जवानों में जबरदस्त टकराव हुआ और देखते ही देखते खेड़ी चौपटा गांव युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। उधर से आंसू गैस के गोले तो इधर से पथराव, पीछे हटने को कोई तैयार नहीं। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठियां भी भाजनी शुरू कर दी, मगर बावजूद इसके किसानों और जवानों के बीच घंटों ये संग्राम चलता रहा। इस तरह से जो सरकार छोड़ दिए हैं, आज वहाँ पे लाठी चार्ज कर दिया है, इन कामों पे सरकार जानबूझ के किसानों को भड़काना चाहती है और इस आंदोलन को उग्र करना चाहती है। हम एक बार अपील फिर करते हैं सरकार से कि इस तरह से करना बंद करें, वरना इसका रिजल्ट जो है सरकार के सामने अच्छा नहीं आए। दरअसल 18 फरवरी को ही दर्जनों गांव के किसान नारनौत के खेड़ी चौपटा गांव में धरना लगाए बैठे थे। वो आंदोलन में शामिल होने के लिए खनौरी बॉर्डर जाना चाहते थे, मगर पुलिस फोर्स के आगे किसान कई बार कमजोर पड़ गए और उन्हें मजबूर होकर अपना इरादा बदलना पड़ा। लेकिन आज किसान हर सूरत पर खनौरी बॉर्डर जाने के लिए तैयार थे। ऐसे में जब पुलिस फोर्स ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों की हवा निकालनी शुरू कर दी तो किसानों का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद किसानों की ओर से पथराव शुरू कर दिया गया और जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और जमकर लाठियां भी भाजी। भाई सुन लो, यो टलाना या फौज दिखावे हैं, भाई हमारी मजबूरी और हमारे संस्कारों का फायदा ना उठाओ प्रशासन। डर नहीं है हमारे अंदर, हम आंदोलन लड़ना चाहते हैं और आंदोलन जीतना चाहते हैं। किसानों और पुलिस के जवानों के बीच हुई इस संग्राम में जमकर हिंसा हुई। इस टकराव में डीएसपी रविंद्र सांगवान समेत 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए, 10 से 12 किसान हिरासत में लिए गए। पुलिस की गाड़ी, फायर ब्रिगेड, डीएसपी गाड़ी, सीआईए गाड़ी समेत कई वाहनों में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई, लिहाजा पुलिस ने भी बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले दागते हुए जमकर लाठियां भांजी। 18 तारीख को हमने जो यहाँ के लिए किया था कि भाई खेड़ी चौपटा इकट्ठे होंगे हिसार जिले के पूरे और यहाँ से तय करेंगे कि भाई हम दिल्ली कुछ करेंगे या खनौरी कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे साथ में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हमारे दो साथी जो है उठा लिए गए थे, डिटेन कर लिए थे, सुरेश कोत और रवि आजाद। इस वजह से हमने जो है उनको जो छुड़ाने के लिए और देर सवेर होने के कारण हमने फिर यहाँ धरना लगा दिया। उसके बाद उनको उसी रात छोड़ा गया। उसके बाद में हमने अपना जो है रणनीति तय करके और गांव-गांव जो है प्रचार प्रसार करके अपनी स्थिति को मजबूत किया और परसों के दिन यानी 21 तारीख को हमने ये ऐलान किया कि भाई हम 23 तारीख को 2 बजे यहाँ से खनौरी बॉर्डर के लिए कुछ करेंगे। दरअसल किसानों के आंदोलन को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। हरियाणा भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में प्रदर्शनकारी किसानों को हर जिले में दिल्ली कूच करने व हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर जाने से रोका जा रहा है। खेड़ी चौपटा में भी यही हुआ। किसान बड़ी संख्या में एकजुट होकर खनौरी बॉर्डर की ओर कूच करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने ट्रैक्टरों की हवा निकालनी शुरू कर दी, जिसके बाद किसान ऐसा भड़के और माहौल इतना बिगड़ा कि खेड़ी चौपटा गांव धुआं धुआं हो गया। नारनौत से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।